Hey, what's up, my dear? How are you? I hope you that you're so fine and so fantastic. Dear, last time we have learned a very beautiful poem. पोएम था और इस पोएम से हमने ये सीखा था कि रिश्ता एक विश्वास पर टिकता है। कोई भी रिश्तों में समझ होना, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कभी कोई डिज़ायर्स कोई पूरा नहीं करता है तो वहाँ पे सिचुएशंस को समझना, सर्कमस्टेंस उसको समझना एक बहुत समझदारी है। जहाँ पर बेटे ने बाद में पापा को समझा और पापा ने बाद में बेटे को समझा। उससे पहले हमने एक पोएम कंप्लीट किया था, वो पोएम था अ फोटोग्राफ रिटन बाय सैली टॉल्सन। और उस पोएम में हमने ये सीखा था कि यादें जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और हमारे जो लाइफ होते हैं वो बहुत देखा जाए तो छोटी भी होती है और देखा जाए तो बहुत बड़ी भी होती है, लेकिन बड़ी तभी होती है जब हम उसको इन्जॉय करते हैं। सो लाइफ को हमेशा इन्जॉय करना चाहिए कि किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है। उसके पहले हमने एक स्टोरी कंप्लीट किया था एंड दैट स्टोरी वॉज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। उस स्टोरी में हमने ये सीखा था कि जिसकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हो उसको कभी ना भूलो, क्योंकि आज आप जहाँ भी हो जैसे उसी की वजह से हो। एल्डर्स को एक समय के बाद हमें समय देना चाहिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हमने 11th क्लासेस में 3 टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। फर्स्ट टॉपिक द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय कुशवंत सिंह, सेकेंड टॉपिक अ फोटोग्राफ रिटन बाय सैली टॉल्सन एंड थर्ड एक पोएम था फादर टू सन रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। फिर आज हम एक और ब्यूटीफुल पोएम कंप्लीट करने वाले हैं जो आपकी 11th क्लासेस के हॉर्नबिल बुक्स के अंदर है, और वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मैं सबसे पहले लेकर जाता हूँ और यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ वो पोएम कौन सा है। बहुत अच्छा पोएम है, चाइल्डहुड पोएम है। चाइल्डहुड मतलब बचपन। ये देखो, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी फोटोग्राफ हो गया है ना, ये 1 नंबर कंप्लीट हो गया, 2 नंबर अभी बाकी है, 3 नंबर बाकी है, 4th नंबर बाकी है, 5th नंबर बाकी है, रिमेनिंग है, 6th नंबर भी। 6 के अंदर आज हम करेंगे, 2 है द ब्राउनिंग वर्जन और 1 है चाइल्डहुड। तो आज हम करेंगे चाइल्डहुड, यानी मार्कस नैटन, रिटन बाय मार्कस नैटन। ये एक पोएम है और लास्ट टाइम हमने किया था 8 नंबर में सिल्क रोड के नहीं किया था हमने, फादर टू सन किया था, ये एक पोएम था। तो आज हम करेंगे 6 नंबर के अंदर चाइल्डहुड रिटन बाय मार्कस नैटन। तो ये एक बहुत अच्छा पोएम है और इस पोएम के अंदर हम क्या चीज़ सीखेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसको ओपन कर देता हूँ। 58 देखते हैं, 58 ये है चाइल्डहुड, आप देख रहे हो, रिटन बाय मार्कस नैटन। और यहाँ पे देखो सबसे पहला लाइन ही बहुत इजी लगता है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब खत्म। अगर कभी कोई आपसे पूछे जब आप 11th क्लास में थे तब, जब 15 ईयर्स का हो गया तब, कब ख़त्म हुआ, आपको कैसे पता चलेगा मेरा आपका बचपन ख़त्म हुआ। तो ये एक बहुत अच्छा पोएम है, इसमें देखो बहुत सारे स्टैंजा भी है और लास्ट में एक बहुत अच्छा मैसेज भी है कि आपका बचपन कब ख़त्म हुआ। मैं खुद ही सोचता हूँ कि मैं कब बड़ा हो गया हूँ, किस एज में मैं मैच्योर हो चुका हूँ, किसी को नहीं पता, नो वन डजेंट नो एट ऑल अबाउट दिस। सो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं। तो उससे पहले हम कुछ आपको मैं कुछ दिखाना चाहूँगा, जैसे
अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ बचपन चाइल्डहुड, अगर हम यहाँ पे टाइप करेंगे चाइल्डहुड, तो देखो ये कैसा लग रहा है ना, एक छोटा सा फोटो। तो बचपन में हम क्या करते थे, ऐसे दौड़ते थे, है ना। फिर आप यहाँ पे देखो, और अगर हम देखते हैं पीछे की तरफ, अगर हम आते हैं, ये देखो खेलते थे इस प्रकार से, है ना, ये आप देख सकते हो, ठीक है। चोटी भी बनाते थे, मस्ती करते थे, है ना। और भी देखो, ये गांव का खेल है ना, ये बचपन है। तो अगर हम इससे भी छोटा उम्र में देख लेंगे, अगर हम और देखते हैं, ये देखो इस प्रकार से भी हम खेलते थे, तो ये सब चाइल्डहुड है ना। उसके बाद ड्राइंग बनाते थे घर में बैठ बैठ कर, ये देखो, ठीक है। आप देख सकते हो कि बचपन जो है बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ है, और हम बचपन में सब बहुत ही इंजॉय करते हैं। लेकिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कब युवक से हम ओल्ड एज में कन्वर्ट हो जाते हैं किसी को पता ही नहीं। अब देखना, हमारे लाइफ का 7 स्टेज है। सबसे पहला स्टेज है जब एक बेबी बॉर्न होता है, जब एक छोटा सा बाबू होता है ना, वो कुछ भी नहीं पसंद करता है सिवाय अपने मम्मी को। धीरे 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 एक समय के बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो फिर वो डिमांड करता है मुझे टॉयज चाहिए। और एक समय के बाद टॉयज के बाद धीरे 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 वो डिमांड करता है कि मुझे फ्रेंड्स चाहिए। फ्रेंड्स के बाद धीरे 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 वो डिमांड करता है कि उसका कुछ क्लोज फ्रेंड चाहिए, कुछ बेस्ट फ्रेंड चाहिए। फिर एक स्टेज के बाद धीरे 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 फिर वो अपने कैरियर के तरफ आगे बढ़ते हैं, फिर उसको कैरियर ज़्यादा पसंद होता है। और जब उनको कैरियर भी मिल जाता है, फिर धीरे धीरे वो और इतना बैर बड़े हो जाते हैं, फिर वो अपने लाइफ के बारे में सोचते हैं कि मुझे मेरा लाइफ अलग, मुझे डिफरेंट लाइफ चाहिए, ज़िंदगी चाहिए, खुशी चाहिए। और एक समय के बाद फिर वो अपने डिमांड करते हैं मुझे फैमिली चाहिए। और फैमिली के बाद फिर जब उनका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, फिर वो सोचते हैं कि अब मेरा लाइफ, मैंने फैमिली को भी दे दिया, लाइफ इंजॉय कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब आई वॉन्ट टू गिव माई टाइम टू गॉड। और कुछ सालों तक वो गॉड को भी अपना समय देते हैं, और एक समय के बाद उनका इच्छा होता है, अब मेरी जीने की कोई इरादा नहीं। ये लाइफ के स्टेज होता है। यहाँ पर आप किसी भी स्टेज को नहीं कह सकते हैं कि ये स्टेज ख़राब है। हर स्टेज के अपने की इम्पोर्टेंस है, और हर स्टेज में हमारा जो चॉइस होता है वो अलग होता है। लेकिन यहाँ पर जो मार्कस नेटन है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक छोटा सा बच्चा कब वो बड़ा हो जाता है, ये किसी को पता नहीं रहता। खत्म हो जाता है क्या? आप 11 साल के हो तब खत्म होता है क्या? आप जब 15 साल के हो जाते हो तब खत्म होता है? अगर खत्म होता है, तो फिर बाद में पता कैसे चलेगा कि हमारा बचपन कहां पर था? तो इस पोएम में यह बताया गया है कि ये जो बचपन लाइफ है, ये बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है। इस लाइफ को आप किसी भी ज्योग्राफी में नहीं देख सकते, ये कहीं पर भी नक्शा नहीं बना हुआ, ये कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, ना किताब में मिलेगा, ना आपको बुक्स में मिलेगा, ना आपको ज्योग्राफी में मिलेगा, ना आपको किसी ग्लोब में मिलेगा। और ये जो लाइफ होता है, ये बहुत डिफरेंट लाइफ होता है। इस लाइफ में हम बहुत इंजॉय करते हैं, इस लाइफ में हमको सिर्फ खुशी चाहिए, इस लाइफ में हमारे मन में कोई भेदभाव नहीं होता, इस लाइफ में हम वही बोलते हैं जो हमारे आंखों के सामने दिखता है। आप देखने, एक छोटा सा बच्चा वही बोलता है जो उसको आंखों के सामने दिखता है। वो कभी भी वो नहीं बोलेगा जो उनको लगता झूठ है। तो अगर आपको लगता है कि आप जो आंखों के सामने देख रहे हो और वो ही बोल रहे हो, तो वो आपका बचपन है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है लोगों के साथ मस्ती करने में, कई लोग आपको कितना कुछ बोले जा रहे, बट आप उनके बात ध्यान से नहीं सुन रहे, आप बहुत इंजॉय कर रहे, आप उनके बात को बुरा नहीं मान रहे, तो बचपन है। क्योंकि बच्चा जो होता है, बचपन जो होता है हमारा चाइल्डहुड, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, आप देखो, आप एक बेबी को कितना भी मारो, देखना बेबी रोएंगे, और थोड़ी समय बाद वो आके आपके पास
उनके मन में ईगो नहीं रहता है, उनका मन बहुत सॉफ्ट होता है। वो हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना लव्स करते हैं कि उनको जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो ठीक आपके पास आएंगे, आपको मना कर लेंगे। अगर आप नहीं देंगे तो वो फिर दूसरी बार आएंगे, लेकिन वो ये नहीं सोचेगा कि हाँ इन्होंने मुझको दिया नहीं, अब इनसे मैं बात नहीं करूँगा। ऐसा बच्चा कभी नहीं करता। अगर ये स्वभाव आपके अंदर है, मतलब आप बच्चा हो, बचपन हो, यानी बचपन एग्जैक्टली कोई एज नहीं है कि ख़त्म हो गया, बचपन एग्जैक्टली कोई एज नहीं है कि ये ख़त्म हो गया। बचपन एक ऐसा लाइफ है जहाँ पर अनकंडीशनल लव होते हैं, अनकंडीशनल थिंकिंग होता है, इमैच्योर होते हैं, इनोसेंट होते हैं, मन में कोई खोट नहीं होता है, कोई डाउट नहीं होता है, सिर्फ एक ही चीज़ होता है, हैप्पीनेस। ये बचपन है, चाहे वो किसी भी स्टेज में। अगर आपका स्वभाव ऐसा है तो आप बचपन बच्चा होगा। कई बार देखते हैं हमारे घर में बोलते हैं कि बच्चे जैसे हरकतें कर रहे हैं। तो इस पोएम में ये बताया गया कि फिर भी अगर अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए कि एक बच्चे की बचपन कब ख़त्म होता है, तो लगभग कहा जाता है 10 या 11 साल की एज में। जब हमारी 10 या 11 साल की एज हो जाता है ना, फिर धीरे 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 हमारा जो बचपन है ना, बचपना, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और हम थोड़ा सा युवक की तरफ आगे बढ़ते हैं, यंग एज की तरफ आगे बढ़ते हैं, और फिर अपना लाइफ शुरू हो जाता है, फिर आपको भी पता है। लेकिन एग्जैक्टली 10 या 11 साल की एज तक हमारे अंदर वो बचपना रहता है, हमारा बचपन रहता है, चाइल्डहुड फीलिंग रहता है। अब क्वेश्चन आता है कि बचपन कब ख़त्म हो जाता है, ये तो मैंने बता दिया। आप जब बड़े हो जाओगे तो आप अपने बचपन कहाँ मिलेगा आपको? जैसे मैंने कहा, ये किसी ज्योग्राफी, किसी कॉपी, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये देखना एकदम से आपको याद आ जाएगा, अच्छा बचपन में मैं भी ऐसा करता था। यानी आपका बचपन कहाँ नजर आएंगे? किसी दूसरे बच्चे के चेहरे। यही इस पोएम का सबसे इम्पोर्टेंट थिंग सर। ये नेचुरल है, हमने कभी नोटिस नहीं किया। अब देखना, अगर मान लो आपका कोई स्वभाव है जिद्दी कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, है ना, आप बचपन में ऐसा करते थे, पर आज आप बहुत बड़े हो गए। एक दिन आप किसी होटल में बैठे हो और आप देख रहे हो बच्चा मम्मी पर जोर जबरदस्ती डाले जा रहे हैं, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, और वो सो गया, सो के रो रहा है। अब मान लो ऐसा स्वभाव आपको भी था, तो आप एकदम से उसको देखोगे और देख कर सोचोगे यार बचपन में मैं भी तो ऐसा करता था। यानी एक बचपन ख़त्म होता 11 साल की एज में, और वही बचपन वापस हमको कहाँ पे मिलता है? किसी बच्चे के चेहरे पर, और इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। तो ये मार्कस नेटन हमको कहना चाह रहे हैं कि हमको भी बच्चा बनना चाहिए, क्योंकि बच्चे से अच्छे गिफ्ट इस दुनिया में कोई नहीं है। बच्चे के अंदर भगवान होते हैं, वो बहुत इनोसेंट होते हैं, वो हमेशा वही बोलता है जो सच होता है, उनके मन में कोई खोट नहीं होता है। एंड हमारा बचपन कहाँ पे नज़र आता है? दूसरे बच्चे के चेहरे पर। इसलिए हमको जब भी किसी दूसरे बच्चा दिखता है तो हम खुश हो जाते हैं। अब देखना नेचुरल होता है, आसपास के कोई भी छोटे बच्चों को अगर हम देखते हैं, वो खेलते हैं, मस्ती करते हैं, तो हम भी उनके साथ झूम जाते हैं। थोड़े समय के लिए हमारे दिमाग में जो भी टेंशन होता है वो एकदम सा ख़त्म हो जाता है। तो यही था इस पोएम का थोड़ा सा समरी जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया। तो आप भी अपने आसपास के बच्चों के साथ मस्ती करो, एंजॉय करो, क्योंकि बच्चे से अच्छे गिफ्ट कुछ नहीं है इस दुनिया में। और जितना हो सके आपके घर में छोटे छोटे बाबू लोग, लाइफ का फंडा है। और यही इस पोएम का समरी था, रिटन बाय मार्कस नेटन। और इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर समरी सेंट्रल आईडी, इसका मैं अलग से एक वीडियो बना के दूंगा, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड माय समरी। एंड नेक्स्ट टाइम फिर एक न्यू टॉपिक लेकर आऊँगा माय डियर स्टूडेंट्स। तब तक के लिए सिया सिया।